अभी अपन ने देखे सल्फर के यौगिक समूह 16 के तत्व, अब अपन स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों में ही समूह 17 और 18 के तत्व। तो आज अपन देखेंगे समूह 17 के तत्वों का अध्ययन। तो जैसा कि समूह 17 को अपन जानते हैं कि इस परिवार को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हेलोजन परिवार या हेलोजन समूह के नाम से जाना जाता है। हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद क्लोरीन बनाने की विधि का वर्णन करेंगे, फिर क्लोरीन के महत्वपूर्ण उपयोग पर देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें हमको ध्यान रखना है और जो जनरली पूछा जाता है वो ये होता है अंतर हेलोजन यौगिक क्या है और हेलोजन के ऑक्सो अम्ल क्या है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम समूह 16 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि समूह जो 16 है, सॉरी जो समूह 17 है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हमको पता है यदि हम आवर्त सारणी का अध्ययन करें तो हम अध्ययन में पाते हैं कि समूह 17 जो है उसे हेलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। अब वास्तव में हेलोजन परिवार होता क्या है या इसके नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसके लिए हम ध्यान रखें कि हेलोजन शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा के हेलास शब्द से लिया गया है। अब हेलास का मतलब क्या होता है ये हम जान लें, क्योंकि इस शब्द को से ही हमारे हेलोजन परिवार की उत्पत्ति हुई है। तो अध्ययनों के आधार पर यह पाया गया कि जो इस श्रेणी के प्रथम तीन तत्व थे जिनका अध्ययन अभी हम आगे करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये जो तीन तत्व थे इन तीन तत्वों को चूंकि ये समुद्री लवण में पाए जाते थे और ग्रीक भाषा में हेलास का मतलब होता था समुद्र से बनने वाले लवण, तो इस आधार पर इस पूरे परिवार को क्या नाम दिया गया, हेलोजन परिवार नाम दिया गया। तो हम सबसे पहले तो यही याद रखें कि समूह 17 के तत्वों को हेलोजन परिवार के नाम से जाना जाता है। और ये हेलोजन परिवार के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा में हेलास का अर्थ होता था समुद्री लवण से प्राप्त होने वाले या समुद्री लवण बनाने वाले जो तत्व हैं उसके आधार पर इन तत्वों को हमने हेलास शब्द नाम दिया। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमको इसमें पढ़ना होता है वो ये होता है कि इन तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, जो समूह 17 के तत्व हैं उन तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन होता है उसको हम दो श्रेणियों के अंतर्गत बांटते हैं। पहली श्रेणी होती है भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है भौतिक गुणों का मतलब होता है उसका रंग रूप आकार उसकी अवस्था उसका गलनांक क्वथनांक परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या। तो इस आधार पर हम इस पूरी श्रेणी का अध्ययन करेंगे जो कि हमारा किसके अंतर्गत आएगा, उसके तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत। और इस तुलनात्मक अध्ययन को भी हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक कैटेगरी कहलाएगी भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरी कहलाएगी रासायनिक गुणों के आधार पर। तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ, उस चार्ट के माध्यम से हम इनका पूरा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और आप भी अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से इस चार्ट को बना लीजिए ताकि आपको अध्ययन करने में आसानी हो और इससे पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से हल कर सको। तो सबसे पहले देख लीजिए हम लेंगे उस पूरे परिवार के तत्व, जैसा कि हमको पता है कि इसमें टोटल 5 तत्व आते हैं जो भी अपन देखेंगे, फिर उनका परमाणु क्रमांक क्या है और किस आधार पर व्यवस्थित किए गए। तो हमको पता है कि आवर्त सारणी जो है वो हमेशा परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित की गई है, तो हम उसका परमाणु क्रमांक देखेंगे। फिर उनकी अवस्था क्या है, कौन से यौगिक, कौन से ऐसे तत्व हैं जो ठोस रूप में है, कौन द्रव रूप में है, कौन गैस रूप में है। फिर उसके बाद जैसा कि भौतिक गुण के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है घनत्व या उसका वजन या उसका भार, तो वो हम देखेंगे कि कौन कितना भारी है, किससे अधिक होता है, ये कहलाता है उसका तुलनात्मक अध्ययन। फिर हम उसका वर्णन करेंगे गलनांक क्वथनांक के अंतर्गत, फिर उसकी देखेंगे परमाणवीय और आयनिक त्रिज्याएं, और उसके बाद हम देखेंगे ऋण विद्युता और आयनन विभव। तो क्रम से हम इस पूरे तुलनात्मक अध्ययन के चार्ट को अपन देखते हैं। सबसे पहले हम तत्व की यदि चर्चा करें तो इस श्रेणी के अंतर्गत टोटल 5 तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन।
तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हमको किसी भी तत्व के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सबसे पहले उनके सूत्र और परमाणु क्रमांक याद करना होगा, क्योंकि इस बार आपको समूह 15, समूह 16, समूह 17 और 18 के पूरे तत्व हैं जिनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। उसके बाद डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, तो सबसे पहले आप आवर्त सारणी पर विशेष रूप से जोर दीजिए ताकि सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने अध्याय हैं वो आपको बहुत आसानी से बन जाए। तो सबसे पहले देखें कि इस श्रेणी के अंतर्गत टोटल अपने 5 तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन। जैसा कि हमने अभी देखे कि शुरू के जो 3 तत्व होते हैं वो समुद्री लवण में पाए जाते हैं। इसका जो एस्ट्रेटिन तत्व होता है उसको आप ध्यान रखो कि ये एक दुर्लभ तत्व है जो रेडियोधर्मी तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तत्व का बिल्कुल विशेष रूप से आप ध्यान रखो क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामों में जनरल पूछा जाता है। तो हेलोजन परिवार का जो 5वां सदस्य है जिसको हम एस्ट्रेटिन के नाम से जानते हैं वो एक दुर्लभ तत्व है और रेडियोधर्मी तत्व के नाम से जाना जाता है। अब इसका परमाणु क्रमांक देख लें, 9, 17, 35, 53 और 85। अब बिल्कुल ध्यान से इसको भी आप यदि याद करना चाहते हैं तो यहाँ तक के तत्व, तो चूंकि हम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के तत्व जो है वो 11th क्लास में बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। दिक्कत आगे के तत्वों में आती है, तो देख लीजिए आप यदि ध्यान से यहाँ पर देखें तो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। यदि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक आपको पता है तो 35 है, तो उसके आगे के ऑटोमेटिक बन जाएंगे, इसका उल्टा क्रम है 53, और यदि दोनों को जोड़ दें तो 5 और 3 8, तो ये 85। तो इस तरीके से हमको क्रम याद हो जाता है। और वैसे भी हमने छोटी कक्षाओं में बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण याद कर चुके हैं, तो उससे भी हम परमाणु क्रमांक की व्याख्या कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है परमाणवीय अवस्था। तो परमाणवीय अवस्था में हम को पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो शुरू के 2 तत्व हैं वो कैसी अवस्था में पाए जाते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन जो 2 हैं वो गैसीयस अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है और आयोडीन जो होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। और एस्ट्रेटिन एक दुर्लभ तत्व है, बहुत रेयर मात्रा में पाया जाता है, वो एक गैस रूप में रेडियोधर्मी पदार्थ के रूप में पाया जाता है जिससे स्वतः ही अल्फा बीटा और गैमा किरणें जो है वो उत्सर्जित होती है। अब अपन इनके घनत्व की यदि चर्चा करें तो इस श्रेणी में सामान्यतः जो घनत्व है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो घनत्व भी बढ़ता जाता है। ये एक आप राउंड फिगर में इसको याद कर ले, लगभग इनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके घनत्व भी जो है वो बढ़ते जाते हैं और एस्ट्रेटिन का जो है ये गुण प्रदर्शित नहीं होता। तो जैसे कि हम अध्ययन के आधार पर देख रहे हैं इनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनका घनत्व भी क्रमशः कैसे होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर वैसे ही सेम इनके गलनांक और क्वथनांक की यदि चर्चा करें तो फिर वैसे ही है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्रमशः कैसे होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जब आप इनका अध्ययन करोगे और इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको इनके गलनांक और क्वथनांक के क्रमों की संख्या, उनके मान पता चल जाएंगे। तो ये भी हमको पता चल गया कि इनके गलनांक और क्वथनांक भी कैसे होते जा रहे हैं, क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। घनत्व की वैसी चर्चा कर ले तो घनत्व भी लगभग उसी क्रम में ये बढ़ते जा रहे हैं। इस फिगर को आप थोड़ा सा याद कर ले और लिख लिख कर इसकी प्रैक्टिस करें तो बहुत जल्दी आपको ये मान याद हो जाएंगे। तो इनका क्रम भी कैसा होगा, बढ़ता होगा। जब आप इस कंपैरेटिवली स्टडी को या तुलनात्मक अध्ययन के चार्ट को सावधानी पूर्वक याद कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस पूरे परिवार में सभी तत्वों के जो घन सब गुण हैं वो क्रमशः बढ़ते जाते हैं, लेकिन ऋण विद्युत और आयनन विभव 2 ऐसी चीज होंगी जो सिर्फ घटेंगी। तो वो आपको याद करना है कि कौन से ऐसे 2 गुण हैं जो घटते हैं, बाकी सारे गुण जो है वो लगभग बढ़ते जाते हैं। तो ये मान भी देख लीजिए। अब इसके अपन परमाणविक त्रिज्या की बात करें तो परमाणविक त्रिज्या को आपको एंगस्ट्रॉम में प्रदर्शित करना है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इसका मान भी क्रमशः कैसा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसी क्रम में यदि हम आयनिक त्रिज्या की बात करें तो आयनिक त्रिज्या भी लगभग इसी क्रम में क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो 4 चीजें हमको पता चल गई। जनरली इसमें से 5
ऐसे गुण है जो अक्सर से पूछे जाते हैं, तो हमको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। शुरू के पूरे प्रॉपर्टीज जो है वो लगातार क्रम में बढ़ती जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे किसका, ऋण विद्युत का। तो ये इस श्रेणी के सभी तत्वों में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है, इनकी ऋण विद्युत का मान जो है वो क्रमशः घटता जाता है। यहाँ विशेष रूप से आपको याद करने की जरूरत है कि सिर्फ ऋण विद्युत और आयनन विभव जो है उन दोनों का क्रम कैसा होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये दोनों मान क्रमशः घटते जाएंगे। तो आप तुलनात्मक अध्ययन का जब चार्ट देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज में बढ़ रही है और कौन सी प्रॉपर्टीज में घट रही है। तो अध्ययन से हमको पता चल गया कि शुरू के ये चारों गुण अवस्थाएं तो हमको पता चल जाती है, पर विशेष रूप से ये प्रॉपर्टी जब भी पूछी जाती है तो आप कंपेरेटिवली स्टडी के रूप में इसको देख सकते हो कि ये पूरी प्रॉपर्टी बढ़ रही है और सिर्फ ये दो गुण ऐसे हैं जो क्रमशः कैसे हो रहे हैं, घट रहे हैं। और एस्टेटिन की जहां तक यदि बात करें तो ये कोई सी भी प्रॉपर्टी प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि ये दुर्लभ रेडियोधर्मी तत्व होता है। अब भौतिक गुणों के साथ साथ अब इसके अपन दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें जो तुलनात्मक अध्ययन में पूछा जाता है, वो होते हैं रासायनिक गुणों के अंतर्गत इनका अध्ययन। जैसे हमने देखे कि भौतिक गुणों के अंतर्गत हम उसके रंग रूप आकार आकृति परमाणु प्रमाण परमाणु भार इनका अध्ययन करते हैं, वैसे रासायनिक गुणों के आधार पर कुछ विशेष अभिक्रिया होती है जिनको हम उसके अंतर्गत रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो हम छोटी क्लासों में देख चुके हैं उसको क्या कहते हैं। यदि कोई भी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, हाइड्राइड। यदि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, ऑक्साइड। यदि मान लीजिए हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, हैलाइड। और अभी हमने इससे पहले देखे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो वो ऑक्सी अम्ल बनाएगा। तो इस तरीके से जो भी दूसरे तत्वों से क्रिया करने पर बने यौगिक होते हैं उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो हम इसका सबसे पहला पोर्शन लेते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। तो इस श्रेणी के सभी तत्व जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके आपको सूत्र ध्यान रखना है HX प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। इस श्रेणी के जो सभी सदस्य हैं जो हाइड्रोजन से क्रिया करके HX प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, जहां पर हाइड्रोजन तो दिख ही रहा हमको, X का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। तो इसके बनने वाले तत्व यदि देखें तो ये होगा HF HCl HBr और HI। अब यदि हम इनके गुणों की चर्चा कर लें तो ये जो HF होता है ये दुर्बलतम अम्लीय होता है। जब यदि पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान रखिए कि HF दुर्बल अम्ल होता है और HI जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के गुण किसके हाइड्राइड में दिखाई देते हैं और ये HX प्रकार का हाइड्राइड बनाता है। अब उसी प्रकार दूसरा इसका अध्ययन करें तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करने पर अनेक प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। वो ऑक्साइड में तो सबसे पहले हम इसके ऑक्साइड की चर्चा कर लें, तो ऑक्साइड में हमको सबसे पहले देखना है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, फिर फ्लोरीन के ऑक्साइड क्लोरीन के ऑक्साइड और ब्रोमीन के ऑक्साइड। कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है इसको हम देख लें, तो इसकी पहली ऑक्सीकरण संख्या ले लें अपन +1, +2, +3 और +4। चार प्रकार के ऑक्साइडों की अपन यहाँ पे तुलना करेंगे तो +1 में से तीनों प्रकार के यौगिक बनेंगे, फ्लोरीन बनाएगा F2O प्रकार का, क्लोरीन बनाएगा Cl2O प्रकार का और ब्रोमीन बनाएगा Br2O प्रकार का। यदि हम +2 वाले ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो सिर्फ एक लौटा फ्लोरीन है जो F2O2 प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा और ये दोनों इस प्रकार के ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से यदि +3 की बात करें तो +3 में फ्लोरीन इस प्रकार का ऑक्साइड नहीं बनाएगा, सिर्फ क्लोरीन है जो Cl2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा और ये ब्रोमीन भी नहीं बनाएगा। अब यदि +4 की बात करें, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 हो तो इसमें क्लोरीन भी बनाएगा Cl2O4
और ब्रोमीन बनाएगा जो कि है BrO2 के रूप में। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को याद कर लें कि कौन से ऑक्साइड बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे और इनका सूत्र क्या होगा। अब उसके बाद यदि हम तीसरे रासायनिक गुण के अंतर्गत बात करें तो वो कहलाता है ऑक्सियम, जिसमें हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन भी हो। हाइड्रोजन तो है ही, उनके ऑक्सीजन अब यदि हम देख रहे हैं तो इनका सामान्य सूत्र यदि हम देखें तो वो होते हैं HXO प्रकार का। तो इस श्रेणी के सभी सदस्य जो है वो HXO प्रकार के ऑक्सीजन अम्ल बनाते हैं। इसके अंतर्गत हम दो तरह की प्रॉपर्टी का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहला तो जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था समान है, मान लीजिए हम तीन उदाहरण ले रहे हैं HCl, HBr और HI का, तो ये तीन प्रकार के यौगिक हमको दिखाई देंगे जो उसके ऑक्सी अम्ल के अंतर्गत का बात करेंगे। यदि ऑक्सीकरण अवस्था समान हो, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था समान हो तो हमको एक क्रम दिखाई देगा। इस क्रम को आपको निश्चित रूप से याद करना है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था, समान ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे अधिक अम्लीय गुण जो होगा HClO प्रदर्शित करेगा, फिर HBrO और HIO। अब यदि ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न भिन्न हो तो दूसरी प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। इसके तीन रूप हम ले रहे हैं। एच क्लोरीन का उदाहरण ले लेते हैं, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। ये चार प्रकार के यौगिक हमको देखने को मिलेंगे और इनकी शक्ति के आधार पर यदि हम इनका वर्णन करें तो अम्लीयता का क्रम जो होगा, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है उनकी अम्लीय शक्ति भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से पूरे इस चार्ट के माध्यम से हम हैलोजन समूह क्या होता है और उसका तुलनात्मक अध्ययन, चाहे वो भौतिक गुणों के आधार पर हो चाहे रासायनिक गुणों के आधार पर हो, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। या विशेष रूप से जो याद रखने वाली बात है, ये दोनों क्रम हमको याद रखना है कि समान ऑक्सीकरण अवस्था हो तब इसकी बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, और यदि बढ़ती हुई ऑक्सीकरण अवस्था हो तो उस स्थिति में इनके अम्लीयता का क्रम क्या होगा। तो इस तरीके से हम उसके तुलनात्मक अध्ययन का वर्णन कर सकते हैं। चलिए, अब इसका जो मुख्य तत्व होता है जो क्लोरीन के बाद आता है वो कहलाता है क्लोरीन। ये एक महत्वपूर्ण गैस के रूप में पाई जाती है और जनरली इससे क्लोरीन बनाने की विधि और उसका उपयोग पूछा जाता है। तो हम अगले पार्ट के रूप में उसी को लेते हैं कि वास्तव में क्लोरीन कैसे बनाई जाती है, प्रयोगशाला में उसके बनाने का मेथड क्या है और उसके उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम वही देख लें, क्लोरीन बनाने की इसको कि हम प्रयोगशाला विधि के रूप में तो प्रयोगशाला में इसका निर्माण बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम इसके प्रयोग की चर्चा कर लें क्योंकि यदि हमको चित्र और उसका प्रति प्रयोग विधि जानना है तो ये किस प्रकार से बनती है ये हम देख लें। कि प्रयोगशाला में हमने एक गैस जार लिया है जिसको कि एक बीकर में जिसमें कि ठंडा पानी भरा हुआ है उसको ले लेते हैं। साधारणता एक गैस जार ली हुई है और उसमें हमको क्या भरना है, जल भरना है। तो यहाँ पर हम जल ले लें और जो गैस निकलेगी वो होगी क्लोरीन गैस। तो ये हमारा गैस जार है जहां पर कि हमको ये गैस दिखाई देगी, इसको हम बोलेंगे बीकर। ये हमारा गैस जार और निकलने वाली CO2 गैस। अब इसका संपर्क हम एक नली के द्वारा गोल्ड पेंदी के फ्लास्क से कर दें। इस तरीके से जुड़ा आप देख लीजिए, एक ये मोटी नली रहेगी, यहाँ से निकलने वाली गैस जो है उसको हम बीकर से जोड़ देंगे। और हमको जो पदार्थ लेने हैं उसको एक फनल में
ले लेंगे। तो इस तरीके से दो फनल हमको लेना है, एक बीकर के रूप में और यहाँ पर हमको एक कोल्टेंडी का फ्लास्क लेना है जहाँ पर हमको इसकी मुख्य क्रिया करवानी है। तो इस तरीके से एक गोल पेंडी के फ्लास्क में सबसे पहले हम मैग्नीज ऑक्साइड के द्वारा इसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर MnO2 के टुकड़े ले लेंगे इस गोल पेंडी के फ्लास्क में। और इसको हम ऊपर से एयर टाइट कर देंगे ताकि इसमें नमी या अशुद्धि के कोई भी कण ना सके। तो हमको पता जनरली गोल पेंडी के फ्लास्कों को हम किसकी सहायता से बंद करते हैं, कॉर्क की सहायता से बंद करते हैं। अब ऊपर की तरफ हमें इसमें सांद्र HCl हमको इसमें प्रवाहित करना है जिसके माध्यम से अभिक्रिया होगी। तो इस फनल में हम क्या देंगे, सांद्र HCl जिसकी क्रिया द्वारा हमको ये प्राप्त होगा। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए कि जब गोल पेंडी के फ्लास्क में MnO2 लिया जाता है, ऊपर से हमको सांद्र HCl प्रवाहित करते हैं तो हमको गैस जार में एक गैस प्राप्त होती है और वो गैस कौन सी होती है, जिसको कि हम जल में लेते हैं और उसी में हमको उसको इस गैस को प्राप्त करना होता है। अगर हम इसकी मुख्य क्रिया का अध्ययन करें तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैग्नीज ऑक्साइड ले लीजिए MnO2 प्लस हमको HCl के चार अणुओं की जरूरत पड़ेगी। जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारे जो यौगिक है उसमें सिर्फ आयन एक्सचेंज होगा तो बन जाएगा MnCl2 प्लस जो गैस हमको चाहिए है Cl2 प्लस दो अणु मिलेंगे हमारे जल के अणु। तो आप अभिक्रिया को संतुलित कर लीजिए कि कितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हमारा समीकरण होगा। तो हम MnO2 की सहायता से क्लोरीन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाई जाती है। अब यदि हम इसके मुख्य उपयोग की चर्चा करें तो जैसे कि हमको पता है कि किसी भी यदि पदार्थ को हम बना रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी सहायता से हम अन्य पदार्थों का संश्लेषण भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका मुख्य उपयोग जो है वो सेम वही कि प्रयोगशाला में अनेक यौगिकों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, जैसा कि हमको पता है कि साधारणतः यौगिकों का उपयोग औषधि क्षेत्र में किया जाता है तो दवाइयों के रूप में भी इसका उपयोग, ये जीवाणुनाशक होता है, कीटनाशक होता है तो उसके रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसका सफाई के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, रंग रोगन या रंजक के रूप में भी इसमें कहीं कहीं पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जब भी इसके बनाने की विधि आए तो आप इसके उपयोग की भी चर्चा कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि ये यौगिक किस प्रकार प्राप्त होते हैं। चलिए अब अपने अगले टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं जो कहलाता है अंतर हैलोजन यौगिक। अच्छा, क्लोरीन, जब भी अपन यहाँ क्लोरीन की चर्चा करते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत खास पूछा जाता है जो अपन ध्यान नहीं दे पाए थे, वो ये होता है कि क्लोरीन की विरंजन क्रिया क्या होती है। ये बहुत बार पूछे जाने वाला एक प्रश्न होता है जो कि जनरली क्लोरीन से पूछा जाता है कि वास्तव में क्लोरीन की विरंजन क्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि विरंजन का मतलब क्या होता है। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका अर्थ यह होगा कि शायद यह अभिक्रिया किसी रंग से संबंधित हो, या तो रंग बनाने से हो सकती है या रंग उड़ाने से हो सकती है। तो हम यदि यहाँ सामने इस शब्द पे जोर दें तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये विरंजन है। इसका मतलब है कि इसमें रंग जैसी चीज को क्या करना होगा, हमको उड़ाना होगा। तो वास्तव में क्या कारण है कि क्लोरीन जो होता है वो किसी दूसरे पदार्थ का रंग उड़ा देता है, या ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके द्वारा ये विरंजन क्रिया करता है, तो वो अपन देख रहे हैं। इसी अभिक्रिया को ब्लीचिंग अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको सब पता होना चाहिए बोर्ड कक्षाओं में किसी भी रूप में इसको पूछा जा सकता है। तो हम विरंजन अभिक्रिया को ब्लीचिंग अभिक्रिया या इसी को रंग विनाशक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों में से किसी भी रूप में आए तो आप ध्यान रखोगे कि
पूछ सकता है आपसे कि क्लोरीन की विरंजन अभिक्रिया क्या है, या क्लोरीन की ब्लीचिंग अभिक्रिया को आप समझाइए, या फिर रंग विनाशक अभिक्रिया का क्लोरीन से क्या संबंध है। तो आप उसको बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि क्लोरीन जो होती है वो किसी भी पदार्थ से, तो कौन से पदार्थ हो सकते हैं, कौन सी ऐसी वस्तु होती है। तो साधारणतः आप ध्यान रखो कि जैसे आपने देखियो हाथी के दांत होते हैं, उनका रंग उड़ाने में और दूसरे रंग लगाने में, जैसे हमारे बाल हुए, ऊन हुए, इनसे वनस्पति घी हुआ, इनसे रंग उड़ाने का कार्य करती है और फिर उनको इच्छा अनुसार किसी भी रंग में परिवर्तित किया जाता है। तो वास्तव में ये विरंजन क्रिया क्या होती है, हम समझ लें कि क्लोरीन जो होती है वो वायु की नमी को अवशोषित करती है। यहाँ नमी का अर्थ क्या होगा, जल से अभिक्रिया। तो क्लोरीन जो होती है वो वायुमंडल की नमी को अवशोषित करती है और HCl में परिवर्तित हो जाती है और एक ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है और इस ऑक्सीजन को क्या नाम दिया गया है, नवजात ऑक्सीजन। वास्तव में यह जो नवजात ऑक्सीजन होती है वही ऑक्सीकारक का कार्य करती है और किसी भी रंगीन पदार्थ को वो क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है। तो जब इस रंगीन पदार्थ में हम इस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वो किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को वास्तव में क्या कहा जाता है, विरंजन क्रिया। तो जैसे कि हमको नाम से समझ में आ रहा है, रंग विनाशक अभिक्रिया, क्लोरीन की विरंजन अभिक्रिया या ब्लीचिंग अभिक्रिया। बहुत सिंपल है कि जब क्लोरीन वायुमंडलीय ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आती है तो वो जल से अभिक्रिया कर लेती है और हाइड्रोजन क्लोराइड में परिवर्तित हो जाती है और एक नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वास्तव में यही नवजात ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकारक का कार्य करती है और ये अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के माध्यम से ही जो हमारी रंगीन पदार्थ होते हैं वो रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी ब्लीचिंग अभिक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक की अपनी चर्चा करेंगे जो कि है अंतर हैलोजन यौगिक। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, अंतर हैलोजन का मतलब होगा कि हैलोजन से बने हुए यौगिक, लेकिन कौन से यौगिक। तो यहाँ पर हमको जो विशेष बात याद रखना है वो ये है कि जब दो भिन्न भिन्न हैलोजन यौगिक को हम लेंगे तो उनको लेने से एक द्विअंगी यौगिक प्राप्त होगा और वे द्विअंगी यौगिक की क्या कहलाएंगे, अंतर हैलोजन यौगिक। अब मान लीजिए जैसे हम यौगिकों को समान रूप से ले लेते हैं तो वो कौन से यौगिक बन जाएंगे, Cl2, Br2 और I2। और हमको पता है कि साधारणतः ये किस रूप में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन के यदि हम समान अणु ले लेते हैं तो ये गैसीय अवस्था में जाते हैं। इसलिए यहाँ विशेष रूप से जो हमको याद करना है वो ये करना है कि जब दो भिन्न भिन्न हाइड्रोजन यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो जो द्विअंगी यौगिक प्राप्त होते हैं उन द्विअंगी यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक। अब देखने की ये हैलोजन श्रेणी के सदस्य कितने प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो टोटल ये चार प्रकार के यौगिक बनाते हैं जो हमको ध्यान रखना है। तो अंतर हैलोजन यौगिक के अंतर्गत बनने वाले यौगिकों की संख्या होगी चार। तो सबसे पहले हम इनके सूत्र की चर्चा कर लें कि ये किस रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इनके सूत्र ले लें। पहला सूत्र बनता है XY प्रकार का, दूसरा XY3 प्रकार का, तीसरा XY5 प्रकार का और चौथा XY7 प्रकार का। जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये विषम संख्या के बढ़ते हुए क्रम में है, तो आपको याद करने में आसानी होगी कि टोटल कितने प्रकार के यौगिक जो है वो बनेंगे। अब दूसरा महत्वपूर्ण जो होता है कि इनमें कौन सा संकरण पाया जाता है। तो इन सभी यौगिक जैसा कि अपन को दिख रहा है कि ये चार प्रकार है, अब चारों में हम संकरण देखेंगे, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। क्रमशः एक एक डी ऑर्बिटलों की संख्या बढ़ती जाएगी और उसी के आधार पर इनकी संरचना जो है वो परिवर्तित होती जाएगी। तो ये हो जाएगी वर्ग पिरामिडी और उसके बाद जो आखिरी प्रकार होगा वो होगी पंचकोणीय
ये सब हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझे थे कि किस प्रकार के संकरण में हमारी कौन सी संरचना बनेगी। तो एक बार अपन देख लें कि ये संरचना वास्तव में कैसी होती है। तो ये चतुष्फल की संरचना को अपन देख लें कि इसमें कैसे बनेगी, लेकिन कैसी आकृति ग्रहण कर लेता है। इस तरीके से हम देख लें कि ये चतुष्फल की संरचना के रूप में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो एक ऑर्बिटल होता है वो हेलोजन के रूप में पाया जाता है और बाकी में एक आपकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसलिए इसकी मुख्य संरचना जो होती है वो कैसे हो जाती है, रेखीय हो जाती है। तो पहले प्रकार का यौगिक जो होगा वो इस तरीके से संरचना प्रदर्शित करेगा। अब दूसरे यौगिक की यदि अपन चर्चा करें तो जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है sp3 संकरण के कारण कैसा होना चाहिए, चतुष्फल की, लेकिन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये कौन सी आकृति ग्रहण कर लेता है, टी आकृति। तो वो कैसे बनेगी ये अपन देख लें। एक्स इस तरीके से और इसके वाई थ्री, तीन वाई है तो एक यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए और एक यहाँ ले लीजिए। तो इस तरीके से तीन फ्लोरीन जो है उपस्थित होंगे और इस तरीके से ले लीजिए। अब कहाँ कहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर हम देख लें कि सबसे पहले ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन के रूप में और ये वाला एक एकाकी इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जाएंगे तीन वाई। तो ये हो गया वाई 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 और यदि हम इनको मिला दें तो ये इस तरह की संरचना उनको दिखाई देगी। तो ये ऐसा टी आकार की संरचना बनेगी। तो इस प्रकार के संकरण में हमको टी आकृति दिखाई देगी। अब तीसरे प्रकार का देख लें वर्ग पिरामिड, ये कैसा होगा, तो ये इस तरह की संरचना बनेगी इसकी। इसका अध्ययन यदि हम सावधानी से कर लें तो ये इस रूप में हमको दिखाई देगा, जहां पर कि हमको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, यहाँ पर एक्स हो जाएगा और बाकी सभी जगह एक एक वाई ले लीजिए। तो ये हो गया पांच। तो इस तरह की संरचना हमको दिखाई देगी जो कहलाएगी वर्ग पिरामिड संरचना। और आखिरी प्रकार जो XY7 का होगा तो उसको भी हम देखेंगे कि वो कैसे बनेगा। ये सब हम छोटी क्लासों में 11th क्लास में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो ये इस तरीके से हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, सभी को जोड़ दें आपस में। तो इस तरह की संरचना बनेगी, ये एक्स वाई वाई, ये पांच हो गए जो पंचभुजी होंगे और इसके दो जो बनेंगे वाई और ये वाई। तो इस तरह की संरचना बनेगी जिसको बोलेंगे पंचभुजी द्विपिरामिडी। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि अंतर हेलोजन यौगिक किस प्रकार बनते हैं। अब हम आखिरी में चर्चा करेंगे अपने यौगिकों की कि जिनको हम बोलते हैं हेलोजन के ऑक्सी अम्ल। तो यहाँ पर अपन देख लें कि वास्तव में ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं। तो इससे पहले भी अपन देख चुके हैं कि यहाँ पर एक तत्व होगा हाइड्रोजन, दूसरा होगा हाइड्रोजन और तीसरा होगा ऑक्सीजन।
मतलब हेलोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक क्या कहलाएंगे, ऑक्सी अम्ल कहलाएंगे। और फिर इसको अपन उसी कैटेगरी में, इनको हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो ज्यादातर उनके बनाने की जो विधियां होती है उनको चित्रों के माध्यम से, और बाकी सारा अध्ययन जो है वो तुलनात्मक अध्ययन यदि हम टेबल के माध्यम से करें तो हमको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐसे ही ले लें इनका सामान्य सूत्र, फिर उनका नाम, फिर इनका संकरण और उसके बाद उनकी संरचना। तो इसमें भी हम ऐसे ही देख लें कि चार प्रकार के यौगिक बनेंगे, HOX, HOXO, HOXO2 और HOXO3। इसमें भी हमको एक एक ऑक्सीजन क्रम से बढ़ाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। नाम देख लें, हाइपो हैलस अम्ल, फिर हैलस अम्ल, हैलिक अम्ल और पर हैलिक। यदि हम संकरण की चर्चा करें तो सभी में sp3 प्रकार का संकरण होगा, चारों में sp3 प्रकार का संकरण होगा, लेकिन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण इनकी संरचना परिवर्तित होती जाएगी। तो सबसे पहले प्रकार में संरचना बनेगी कोणीय, वो देखने कैसे होगी। इस तरीके से कोणीय संरचना हमको दिखाई देगी और यहाँ पर एक कोण बनेगा। दूसरे प्रकार में हम देख लें, उसमें भी हमारी संरचना कोणीय बनेगी, HOO, HO। इस तरीके से संरचना बनेगी, ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन। अब अगला यदि हम बढ़े तो इसमें फिर वैसे ही तीसरी संरचना की यदि हम चर्चा करें तो इसमें 5 संयोजकता होगी। तो यहाँ पर आपको एक विशेष रूप से जो ध्यान रखना है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी +1 होगी, इसकी +3 होगी, इसकी +5 होगी और इसकी +7। तो ये अवस्था भी हम यदि याद कर लें तो हमको संरचना समझने में आसानी होगी। अब इसमें देख लें तीसरा प्रकार जो है वो कैसी संरचना बनाएगा, एक्स, ये ओ, इधर ओ, इधर एच और इसकी संरचना क्या, यदि अपन अध्ययन करें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन हमको और दिखाई देगा और वो किससे जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से दो दो चार इस ऑक्सीजन को अपन इसी से जोड़ो क्योंकि इसकी संरचना ऐसे ही व्यक्ता हमको कितनी दिखाने हैं, 5। तो इस हेलोजन की संयोजकता होनी चाहिए 5, तो ये जाएगी 2, 2, 4 और 1, 5 और यहाँ से जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन परमाणु। तो इस तरीके से संयोजकता हमारी 5 हो गई। और सबसे आखिरी यौगिक जिसमें हमको संयोजकता दिखाना है 7, तो ये देख लीजिए, योग्य हाइड्रोजन अपना, ये ऑक्सीजन, 2, 4, 2, 6 और ये जो है या ऊपर भी हम इसको जोड़ सकते हैं चतुष्फलक के रूप में। तो ये इस तरीके से संरचना बन जाएगी, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो इस तरीके से हम ऑक्सी अम्लों की चर्चा कर सकते हैं। तो बिल्कुल साधारण है, सबसे पहले आप उनका नाम, उनका सूत्र, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था और संरचना का भी अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हम इसको वर्णित कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि इस अध्याय से मुख्यतः आपको जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो ये कि हेलोजन समूह का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, क्लोरीन को हम प्रयोगशाला में किस प्रकार बना सकते हैं और उसका उपयोग बतलाइए, अंतर हेलोजन यौगिक को उदाहरण से समझाइए और हेलोजन के ऑक्सी अम्लों का वर्णन कीजिए। तो इन टॉपिकों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए तो समूह 17 के तत्व निश्चित रूप से आपको बन जाए।